दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक इनसाइडर्स चैनल को, घंटे पे क्लिक कीजिए ऐसे टेक वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। तो आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल टेक इनसाइडर्स में। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में मैक फिल्टरिंग को यूज कर सकते हैं। तो आपने पीसी में देखा होगा कि आपने राउटर में मैक फिल्टरिंग पीसी के जरिए यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में मैक फिल्टरिंग को यूज़ कर सकते हैं। और ये दोस्तों एक बिल्ट इन फीचर है, कोई सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों अगर आप कभी अपना हॉटस्पॉट ओपन करते हैं और उसमें कोई पासवर्ड देना नहीं चाहते, लेकिन चाहते हैं कि कोई भी यूज़र्स आपके परमिशन के बगैर आपके वाईफाई को कनेक्ट नहीं कर पाए, तो आपको इस मैक फिल्टरिंग को चालू करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? इसमें आपको जो यूज़र है जो आपके वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, आपके हॉटस्पॉट के साथ, तो उसका जो मैक एड्रेस है उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देना पड़ता है। तो इससे वो ब्लॉक्ड यूज़र हो जाता है, वो आपके वाईफाई को एक्सेस नहीं कर पाता है। अगर आप मैक फिल्टरिंग क्या है इस बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। इस पे मैक फिल्टरिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो उसको जाके देखिए और आपको पता चल जाएगा मैक फिल्टरिंग क्या होता है और कैसे हम अपने पीसी में मैक फिल्टरिंग यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास राउटर है दोस्तों, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, तो आप जाके चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मैक फिल्टरिंग को यूज़ कर। दोस्तों लीजिए हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में आ चुके हैं। दोस्तों एंड्रॉयड स्मार्टफोन नहीं, स्मार्टफोन्स में आ चुके हैं कह सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि कैसे हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में मैक फिल्टरिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो ये आप यहाँ पर दो हैंडसेट्स देख सकते हैं स्क्रीन में, तो ये जो हैंडसेट है दोस्तों ये मेरा मेन हैंडसेट है, इसमें हम मैक फिल्टरिंग को यूज़ करेंगे। और ये जो हैंडसेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस हैंडसेट में दोस्तों हम इस हैंडसेट को ब्लॉक करेंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हमारे मेन हैंडसेट के साथ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना हॉटस्पॉट यहाँ पर ओपन कर देता हूँ दोस्तों। तो इसमें सेटिंग्स में आपको जाना है, मोड में जाना है दोस्तों, और उसके बाद ट्रेंडिंग एंड पोर्टेबल हॉटस्पॉट, और उसके बाद वाईफाई हॉटस्पॉट में, और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ वाईफाई का। इसका मैं नाम दे यहाँ पर नेम एडिट कर देता हूँ नो कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शन नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं खुला रख देता हूँ, आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम कनेक्शन आप यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं, आप कितने यूज़र तक आपके हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पर से आप दो यूज़र को कर सकते हैं, थ्री यूज़र, उसके ज़्यादा कनेक्ट आपके हॉटस्पॉट के साथ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सेव कर दीजिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हॉटस्पॉट को ऑन कर दीजिए। ये लीजिए हमारा हॉटस्पॉट ऑन हो चुका है मेन डिवाइस में। अभी हम इस डिवाइस में आते हैं दोस्तों, और इस डिवाइस में हम कोशिश करेंगे इसको कनेक्ट करने में, ठीक है, हमारे मेन डिवाइस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये लीजिए हमने वाईफाई ओपन कर दिया अपना, और अब देख सकते हैं अभी डिजिटल के साथ कनेक्टेड है। ये मेरा होम का ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन है इसका वाईफाई है, लेकिन ये देखिए हमने अभी जो रीनेम किया नो कनेक्शन, तो इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड हो चुका है नो कनेक्शन के साथ, थोड़ी देर वेट कीजिए। ये देखिए कनेक्टेड हो गया है हमारा डिवाइस मेन डिवाइस के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी आपको इसको मिनिमाइज कर दीजिए और आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों ट्रेंडिंग एंड हॉटस्पॉट एक्टिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन डिवाइस कनेक्टेड। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपने मेन डिवाइस में इस ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है नोटिफिकेशन के ऊपर, और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकेंगे कनेक्टेड यूज़र, ये मेरे इस हैंडसेट का मैक एड्रेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये, क्योंकि ये अभी कनेक्टेड है हमारे हॉटस्पॉट के साथ। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिंपली ब्लॉक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको ब्लॉक करने के बाद फिर से मैं अपने इस टारगेट फ़ोन को जो ये फ़ोन है इससे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा अपने मेन हैंडसेट को, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम इसे ब्लॉक कर देते हैं, और ये लीजिए ब्लॉक्ड हो गया, और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये डिसकनेक्ट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं नो कनेक्शन के साथ अभी कनेक्टेड था, लेकिन ये डिसकनेक्ट हो गया। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और कनेक्शन, सॉरी यहाँ पर नो कनेक्शन पर
इस पे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये रहा नो कनेक्शन, अभी हम इसे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं और आप देख पाएंगे ये सेव्ड हो जाएगा, कनेक्शन इसे नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इसे ब्लॉक कर दिया अपने हॉटस्पॉट को यूज़ करने से, अपने मेन हैंडसेट के हॉटस्पॉट को यूज़ करने से हमने इसे ब्लॉक कर दिया। और आप देख पाएंगे ये कोशिश कर रहा है लेकिन कनेक्शन इसे नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे आप भी किसी भी यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरा डिवाइस का मैक एड्रेस है इस डिवाइस का, तो मैंने इसे ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, तो अभी ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों अभी हम इसे फिर से अनब्लॉक कर देते हैं और आप देख पाएंगे ये देखिए कनेक्शन मिल गया इसे और ये कनेक्ट हो पा रहा है यहाँ से। तो ये लीजिए ये कनेक्शन कनेक्टेड हो गया हमारे हॉटस्पॉट के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नया है हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे टेक वीडियोज़, न्यूज़ वीडियोज़ एंड अनबॉक्सिंग अनबायस्ड रिव्यूज़ के वीडियोज़ आगे भी देखते रहने के लिए। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। टिल देन हैव ए गुड डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। Live, subscribe and comment. Like, comment and subscribe. Like कीजिए हमारे चैनल को, subscribe कीजिए और नीचे जाकर दोस्तों comment कीजिए।